आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ब्लैक शीप के कौन से पार्ट में वूल होता है? तो इसका आंसर है, द हेयर ऑफ ब्लैक शीप कॉल्ड फ्लीस इज द पार्ट विच इज वूल। जो पूरी ब्लैक शीप के पूरी बॉडी पे फ्लीस होती है, मतलब बाल होते हैं, उसे हम कहते हैं, वो क्या बनता है आगे चल के? वूल। नेक्स्ट, What is meant by the white fleece of the lamb? अब lamb की white fleece का मतलब क्या है? The fleece of lamb is its skin, which have a thick layer of hair on it. Fleece का मतलब क्या है lamb की? उसकी skin जिसके ऊपर thick layer of hair होते हैं, जो thick layer of hair है उन्हें हम fleece कहते हैं। Next, the silkworm is a caterpillar, b larva. Choose the correct option. अब इसमें a है जो सिल्कवर्म होता है, वो कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है? अब देखते हैं, इसमें ए नहीं आया, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, क्योंकि वो एक कैटरपिलर और लार्वा दोनों होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन, किसके पास वूल नहीं होता? याक के पास होता है, कैमल के पास होता है, गोट के पास भी होता है, वूली डॉग के पास नहीं होता। तो सही आंसर क्या है? वूली डॉग। What is meant by the following terms? अब इन terms का मतलब क्या है? सबसे पहले rearing. Taking care of animals that have useful products for humans are called rearing. उन animals का ध्यान रखना जिनके पास and humans के use के लिए products हों, like wool. Right? Wool के लिए हम किसका ध्यान रखते हैं? Rearing किसकी होती है? Sheep's की and yak की, इन सब की. Next, shearing. Process in which hair and a thin layer of skin is removed from sheep is called shearing. के जब बाल निकाले जाते हैं एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ, उसे कहते हैं शेयरिंग। अब सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या है? द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब रियरिंग का हमने क्या कहा था? कि किसी भी जानवर को पालना उसके प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे ही सिल्कवॉर्म को जब हम पालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिल्क प्रोडक्शन के लिए जब हम पालते हैं उसे कहते हैं सेरिकल्चर। अब गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। अब इनमें वूल बनाने के लिए जो सीक्वेंस है वो है शेयरिंग। सबसे पहले शेयरिंग होती है, फिर उसके बाद स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब क्या था? धोना, फिर सॉर्टिंग, फिर अलग अलग सॉर्ट करना, फिर उसके बाद पिकिंग बर्ड्स, उसमें से जो रूल उठता है उसे हटा देना, फिर कलरिंग, उसका कलर करना, और उसके बाद रोलिंग, रोल करके उसे बेचना। ये होते हैं स्टेप्स वूल बनाने के। अब नेक्स्ट, Make sketches of the two stages in the life history of the silk moth, which are directly related to the production of silk. अब production of silk से related जो stages हैं silk moth के, वो हमें बनाना है। तो हमें ये picture हम बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक male moth है, एक female moth है, right? जब female moth eggs देती है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें arrows भी बना सकते हैं। Arrows बनाने में सबसे पहले क्या होगा? ये A moth, फिर बी मॉथ, फिर उसके बाद सी। अब सी से डी बनता है, ये सिल्क वॉर्म बन जाता है, और सिल्क वॉर्म से क्या बनता है? ककून बनता है, और ककून से क्या बन जाता है? ये जो ऊपर ककून होता है वही जब हम गर्म करते हैं तो सिल्क बन जाता है। तो इसे कहते हैं सिल्क बनाने का ये जो स्केच है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। आपकी बुक के अंदर बहुत सारी टर्म्स लिखी हैं, उसमें से सिल्क प्रोडक्शन के दो टर्म्स हैं, एक सेरिकल्चर एक मॉरिकल्चर। सो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग हमें करना है कि इसमें क्या सही होगा। सबसे पहले स्कोरिंग के लिए क्या रहेगा? क्लीनिंग शर्ट स्किन, इसे कहते हैं स्कोरिंग। ये हम तीन बार पढ़ चुके हैं अभी तक। मलबरी लीव क्या है? फूड ऑफ सिल्कवॉर्म। याक क्या है? वूल यील्ड एनिमल। अब ककून क्या है? यील्ड सिल्क फाइबर्स। तो ये है इसके आंसर्स। अब यहाँ पे हमारा एक स्कूडो, इसे कहते हैं, वो है डी वन में क्या है? थ्रू वॉशिंग। अब डी वन के अंदर थ्रू वॉशिंग है, यहाँ पे क्या आएगा? स्कोर। स्कोरिंग को क्या कहते हैं? जब हम वूल को वॉश करते हैं उसे स्कोरिंग कहते हैं, तो यहाँ पे स्कोर आ जाएगा। एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर क्या है? 2D में सिल्क, यहाँ पे सिल्क आएगा। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइबर। अब A1 में क्या आएगा? कीप वॉर्म। अब A1 के अंदर हमें क्या वॉर्म रखता है? वूल वॉर्म रखता है, तो यहाँ पे वूल आ जाएगा। उसके बाद इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म, इसकी जो लीव्स हैं वो सिल्क वॉर्म खाते हैं, वो क्या है? मलबरी। यस, अब लास्ट क्या होगा? हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, मॉथ के एग से हैच होता है, ये क्या है? कैटरपिलर। सो ये हो जाएंगे हमारे आंसर।
सो ये थे पूरे का पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। हर वेंसडे इस चैप्टर की, सेवन्थ क्लास की सारी वीडियोज आ रही हैं, वो धीरे धीरे करके आपका पूरा सेवन्थ चैप्टर का साइंस खत्म हो जाएगा आराम से। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।